बांध की बलि चढ़ रहे हरसूद के लोगों की तकलीफें यकीनन उनकी अपनी हैं, लेकिन हमारा सरोकार इतिहास की उस धरोहर से भी है जो अब नर्मदा के पानी में हमेशा के लिए समा जाएगी। प्राचीन भारत के ताकतवर सम्राट हर्षवर्धन का बसाया ये शहर अपने साथ बहुत सारे पुरातात्विक दस्तावेज भी ले जाएगा। ये वही हर्षवर्धन है जिसकी तारीफ में चीनी मुसाफिर ह्वेनसांग ने कसीदे पढ़े। संत सिंगाजी की समाधि पर भजन गाते हर्षसूद के ये लोग मरने से पहले आखिरी बार सिंगाजी का आशीर्वाद लेने आए हैं। तकरीबन 450 साल से संत सिंगाजी महाराज महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों की आस्था का केंद्र रहे हैं, लेकिन अब उनकी समाधि भी शायद जल समाधि ले लेगी। क्षेत्र की जनता बहुत दुखी है, यहाँ से जो आसपास के गांव भी जो डूब में आए और हमारे गांव के लोग भी जो है डूब में, तो इस समय बहुत दुखी है। वो उनको शांति देने के लिए ही ये भजन कीर्तन करते रहते हैं कि थोड़ी बहुत शांति मिले। उस दुख तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो है बचपन से अपना जो घर बना बनाया था एक आसियाना उजड़ गया। गौरतलब है कि संत सिंगाजी महाराज की समाधि को बचाने के लिए राज्य की मुख्यमंत्री उमा भारती के निर्देश पर कंक्रीट की ये दीवार बनाई जा रही है, लेकिन इससे समाधि बचेगी या नहीं इसका पता तो बांध में पूरी तरह पानी भरने के बाद ही चलेगा। अगर समाधि डूबने से बची तो यहाँ हर साल आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को समाधि तक पहुँचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में आज हरसूद तहसील का मुख्यालय है, लेकिन 700 साल पहले ये शहर राजा हर्षवर्धन के राज्य का अहम हिस्सा था। 620 से 630 के बीच में पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य शासक था उसका संघर्ष हर्ष से हुआ और इस संघर्ष का वर्णन ह्वेनसांग करता है। तो इस संघर्ष के बाद नर्मदा नदी जो थी वो सीमा रेखा बन गई। हरसूद शहर अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए मशहूर रहा है। इतिहास की किताबों समेत तमाम दस्तावेजों में भी हर्षवर्धन के हरसूद का ब्यौरा मिलता है। हर्षवर्धन के वक्त की ये मूर्तियां और मंदिरों के ये खंडहर उस वक्त की दास्तां बयां करते हैं, लेकिन अब ये भी बांध के पानी में गुम हो जाएंगे। यहाँ का जो प्राचीन मंदिर है, प्राचीन स्मारक है, वो सभी क्षेत्र हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास के गौरवपूर्ण अतीत से जुड़े हुए हैं, तो उस अतीत की हमें रक्षा करनी चाहिए और इस तरह की योजनाएं बनाते समय पुरातात्विक दृष्टि से जो समृद्ध इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं, उनको उनका ध्यान हमेशा रखा जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पीढ़ियां इसके लिए हमें क्षमा नहीं करें। जाहिर है तमाम ऐतिहासिक धरोहरों को अपने दामन में समेटने वाला ये शहर अब खुद इतिहास बनने को मजबूर है। दीप्ति के साथ राजेश बादल, हरसूद आज तक। उजड़े गांवों के लोगों के दिलों का दर्द भी हम जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।